जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR के अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेन टिकट बुकिंग करने के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सोचते हैं कि भैया मैं दिवाली की टिकट करवा लेता हूँ या फिर अप्रैल की टिकट करवा लेता हूँ, फिलहाल तो अप्रैल का भी कोटा खोला नहीं है। दोस्तों अभी आप दिवाली की टिकट करवा सकते हो, मगर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है दोस्तों, अगर आप किसी भी ट्रेन में जाने की सोच रहे हो, आपके वहां तक जाती है दोस्तों, उसमें आपका लंबा चौड़ा वेटिंग लिस्ट आ रहा है। 251, 250, मतलब कि 300, 350 वेटिंग लिस्ट आ रहा है। तो दोस्तों क्या आपको टिकट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोस्तों इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि दोस्तों जैसे कि आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, दिवाली हुआ और दूसरा हुआ दोस्तों मतलब कि अप्रैल का महीना, इन दोनों में ट्रेनें फुल हमेशा चलती हैं। दोस्तों चलती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से उसे समझना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जाना चाहते हैं दिवाली के ऊपर अपने घर, तो दिवाली के ऊपर आप घर जाएंगे, मगर दोस्तों इतनी वेटिंग लिस्ट है 300 250, तो ये क्या आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, हाँ आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों। दो ऑप्शन कौन से हैं? रेलवे हमेशा दोस्तों की देखिए दिवाली के सीजन्स में और अप्रैल महीने में हमेशा फेस्टिवल ट्रेन चलाता है दोस्तों। या तो आप फेस्टिवल का इंतजार करो ट्रेन के चलने का, या तो दोस्तों आप जो 350 वेटिंग चल रहा है, 250 वेटिंग चल रहा है, उस टिकट को कर लो बुक। क्योंकि दोस्तों जहां तक मैं जानता हूं 99% रेलवे दिवाली के दिन और अप्रैल महीने में दोस्तों एक मतलब कि जो ट्रेनें होती है ना दोस्तों उसमें लगाता है एक्स्ट्रा कोच। तो दोस्तों एक्स्ट्रा कोच एक नहीं लगता बल्कि चार लगते हैं या पांच लगते हैं। हर क्लास में अगर एसी का है तो एक लगाया जाएगा, जनरल का है तो जनरल में मालूम नहीं दोस्तों लगता है कि नहीं, मगर स्लीपर क्लास में ना दोस्तों चार कोच लगाए ही लगाए जाते हैं। मैंने देखा है दोस्तों हर साल कोरोना मतलब कि कोरोना के चलते तो ये पता नहीं हो सकता है लगे कि ना लगे, मगर लगेगा 99%। क्योंकि दोस्तों अगर जैसे मुझे कल कल दिवाली के दिन मतलब कि आज परसों दिवाली है तो मुझे कल जाना है दोस्तों, समझ लीजिए। तो मैंने मतलब कि 300 350 बैटिंग देखे हैं ना दोस्तों, वो कन्फर्म तो नहीं हुए मगर REC में चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं भी CTC का ऑथोराइज एजेंट हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है दोस्तों इसके बारे में। थोड़ा बहुत क्या दोस्तों, पूरा नॉलेज है, वो तो मजाक किया था मैंने। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कंफर्म मतलब कि टिकट आप वेटिंग का भी निकलवा लो, उससे आपको ये मतलब कि पता चलेगा। आप 10 दिन पहले मतलब आपको पता चल जाएगा, आपको उससे अंदाजा लग जाएगा दोस्तों कि आपका टिकट कंफर्म होगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों 10 5 वेटिंग रहेगा वैसे भी REC में चला जाएगा। और मैंने है ना कि मतलब कि दोस्तों आपका जो है ना ट्रेन में नया मतलब कि कोच लगाए जाते हैं, तो उससे 300 350 वेटिंग भी REC चली जाती है या कंफर्म भी हो जाती है, उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप फेस्टिवल ट्रेन चल भी गई तो आपको उतनी जल्दी पता नहीं चलेगा और वो तुरंत फुल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक और वीडियो कर देना शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।